हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्वल यूनिवर्स के एक तिलिस्मी पत्थर के बारे में जिसने हम सब फैंस की आत्मा में खलबली मचा के रखी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोल स्टोन पे फाइनल थ्योरी के बारे में। फाइनल थ्योरी इसलिए क्योंकि कल इन्फिनिटी वॉर रिलीज हो रही है, तो हो सकता है कि हमें उसमें सोल स्टोन देखने को मिले। लेकिन कुछ फैंस का ये भी मानना है कि इन्फिनिटी वॉर में हमें सोल स्टोन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सोल स्टोन के नाम पे थॉर रैग्नारॉक और उसके बाद ब्लैक पैंथर मूवी ने काफी अच्छी कमाई की। और इधर इन्फिनिटी वॉर की हाइप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें सोल स्टोन इन्फिनिटी वॉर में देखने को नहीं भी मिल सकता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आप सबने हेमडाल के पास सोल स्टोन की थ्योरी तो सुनी रखी होगी, तो इसे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स के एडम वॉरलॉक के बारे में। आपको पता ही है कि कॉमिक्स में एडम ही वो शख्स था जिसके पास सोल स्टोन था, और इसका क्लू हमें गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी देखने को मिला था। तो अब सवाल उठता है उस थ्योरी पर जिसमें ये कहा गया है कि इन्फिनिटी स्टोन हर उस चीज में पाए गए हैं जिनके नाम के पहले अक्षर से मिलकर थैनोस बनता है। तो एडम में तो एच आता ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से शायद कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि एडम वॉरलॉक को शुरुआती दिनों में हिम कह के बुलाया जाता था। ये कैरेक्टर शुरुआत में हिम नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके बाद में इसका नाम बदलकर एडम वॉरलॉक कर दिया गया। तो इस वजह से ये थ्योरी कंफर्म हो जाती है कि शायद कॉमिक्स की तरह ही हमें एमसीयू में भी सोल स्टोन एडम के पास देखने को मिले। अब बात करते हैं दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में। अगर सोल स्टोन इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है कि थैनोस के पास पहले से ही हो, क्योंकि जिसके नाम के लेटर से इन्फिनिटी स्टोन्स का रिश्ता हो, तो उसके पास एक भी इन्फिनिटी स्टोन ना हो ऐसा होना बेईमानी होगी। और इस बात का सबसे बड़ा क्ल्यू हमें इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड कॉमिक्स में भी देखने को मिला था, जिसमें हमने वॉन्ग को डॉक्टर स्ट्रेंज को सोल स्टोन के बारे में बताते सुना, और साथ ही में हमने वो इमेज भी देखी जिसमें सैटर्न हमें साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन हाल ही में रिलीज की गई इमेज में हमने सोल स्टोन के ऊपर आयरन मैन को देखा है, जिसपे हमें से कुछ फैंस का ये मानना हो गया कि शायद सोल स्टोन टोनी स्टार के पास हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी की इमेज में हमने किसी भी कैरेक्टर के पास इन्फिनिटी स्टोन पहले से नहीं देखा है। उन सबके पास इन्फिनिटी स्टोन किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टाइटन पे फाइट के दौरान, जो कि हमने ट्रेलर में देखा भी है, वहाँ पे आयरन मैन को सोल स्टोन मिल जाए, जिसके बाद ये सोल स्टोन आयरन मैन के पास आ जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फिनिटी स्टोन हमें होम प्लेनेट ऑफ थैनोस पे भी देखने को मिल सकता है। तो आपका इस पे क्या कहना है, ये बात हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही में मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि 28 अप्रैल से मैं आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू कॉमिक्स स्टोरी लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप ऐसे एडवेंचर से वाकिफ होंगे जो आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। तो अब मैं चलता हूँ, आप सब मेरी बाकी के वीडियोज़ एंजॉय करिए और खुश रहिए।